हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन जिसे ध्यान कहते हैं हिंदी में, तो मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो सब आप लोगों को मालूम होगा। सारी मेंटल बीमारियां दूर होती हैं मेडिटेशन से। बीपी, डिप्रेशन, तनाव, और इससे आपको एकाग्रता बढ़ती है किसी भी चीज़ में, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता है आपकी बॉडी का और आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो स्टूडेंट्स का भी को भी पढ़ने में ध्यान लगाने के लिए, जिन्हें याद नहीं होता हो, कुछ जैसे लेडीज़ कुछ चीज़ भूल जाती हों, तो उन सब के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम आपको 5 से 10 मिनट डेली मेडिटेशन करना चाहिए। तो देखिए, मेडिटेशन आपके घाव को भरने में मदद करता है, इंजुरी को, आपको दर्द कम करने में मदद करता है। किसी पार्ट में आपके दर्द हो रहा, आप मेडिटेशन करके अपनी सांस को उस जगह तक ले जाइए इनहेल करके, तो आपको उस जगह पे दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच जाएगी मेडिटेशन के ज़रिए। तो आप देखिए मेडिटेशन को करने का क्या तरीका है, सही तरीका। तो अपन सांसों के ज़रिए मेडिटेशन करेंगे। सांस इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, हर पार्ट के लिए। तो आपको पहले नीचे से शुरू करना है, अपने टो से शुरू करना है। पहले अपन सांस खींच के ब्रीथ लेके और फिर वहाँ तक अपन सांस पहुँचाएंगे और फिर एक्सहेल कर देंगे। फिर अपन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ एंकल पे, तो अपन एंकल तक सांस को पहुँचाएंगे, फिर अपन एक्सहेल कर देंगे। फिर अपन नी पे जाएंगे, नी तक अपन सांस को ले जाएंगे खींच के, फिर इसको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर जांघों पे जाएंगे, ऐसे पेट पे जाएंगे, कमर पे जाएंगे, हिप पे जाएंगे, यहाँ ऊपर चेस्ट पे जाएंगे, फिर शोल्डर पे जाएंगे, फिर हाथों की रिस्ट पे जाएंगे, हाथों की नीस पे जाएंगे, और फिर अपने गर्दन के एरिया में जाएंगे, फिर नाक वाले, कान वाले एरिया में जाएंगे, और सबसे लास्ट में सिर वाले एरिया पे जाएंगे। फिर उसके बाद अपन सर पे से शुरू करेंगे, तो वैसे ही हम सिक्वेंस रहेगी और नीचे तक अपन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें रिवर्स क्रम होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो देख लीजिए कैसे, सबसे पहले सांस लीजिए, आप ऐसे बैठ जाइए सुखासन में। हालांकि आप ये सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें आप ज़्यादा देर तक कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो जिनको हैबिट है तो वो ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें सुखासन बेस्ट होता है। जैसे आप पालथी मार के बैठते हैं, बस ऐसे बैठ जाइए आप। और ये 2-3 टाइप्स होता है, अभी मैं आपको सांसों के जरिए बता रही हूँ, बाकी वैसे भी होता है कि आप यूं बैठ के चुपचाप और आप 100 तक काउंट करें, फिर 100 से वापस 1 तक काउंट करें रिवर्स, तो ये भी मेडिटेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। प्लस कोई एक पॉइंट है तो आप उस पर लगा के, नज़र लगा के आप उसको लगातार देखते रहिए 5 मिनट 10 मिनट, वो भी आपका मेडिटेशन हो जाएगा। लेकिन अपन सांसों के साथ करेंगे ताकि अपने इंटरनल पार्ट्स को भी इसका प्रॉफिट मिले, इसका बेनिफिट्स मिले, इसका फायदा मिले। तो लंग्स, लीवर, डायफ्राम, हार्ट, इन सबको पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिल जाए, प्लस अपना कहीं पेन हो रहा हो तो वो भी दूर हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए अपन ये वाला मेडिटेशन चूज कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, अपन सबसे पहले ये वाली मुद्रा बना लेंगे, ये हार्ट से रिलेटेड पॉइंट है। तो अपन जब इस फिंगर को यहाँ रखेंगे तो अपना हार्ट अच्छा वर्क करता है। हालांकि स्टूडेंट्स को ये वाली भी मुद्रा बना सकते हैं, वो ऐसी वाली, क्योंकि ये अपना माइंड से जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो इसमें आपका माइंड स्ट्रांग था माइंड। लेकिन थोड़े बड़े लोगों को यहाँ पे हार्ट वाले पे कर लेना चाहिए, ताकि वो हार्ट का पॉइंट, उनका हार्ट अच्छे से स्ट्रांग रहे, काम करें। तो देखिए, इनहेल इनहेल करके अपन सबसे पहले टो तक सांस को ले जाएंगे, अपन महसूस करेंगे वहां तक अपनी सांस जा रही है, तो वो जाने लगेगी, ठीक है। इनहेल, आंखें बंद करके ध्यान लगाइए कि आपकी सांस वहां तक जा रही है, आपकी ऑक्सीजन वहां तक जा रही है, तो वहां तक जाएगी ब्लड के साथ, और वहां पे आपको एक कंपन सा महसूस होगा, आपको एक वाइब्रेशन वहां पे मिलेगी, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरा ऑक्सीजन लेवल वहां तक पहुंच गया है, वहां तक पहुंच चुकी है मेरी ऑक्सीजन। इसमें आपको, आपसे जितना रहा जाए इतना आप रह सकते हैं, फिर वापस एक्सहेल कर दीजिए, फिर इनहेल कीजिए, अब आपको एंकल का सोचना है कि एंकल तक मेरी सांस जा रही है, मेरी ऑक्सीजन एंकल तक जा रही है। तो अगर आपको एंकल में कोई पेन होगा तो वो भी बंद हो जाएगा,
प्लस आपका वो पोर्शन स्ट्रांग होगा क्योंकि आप ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचा चुके हैं ब्लड के साथ। एक्सहेल कर दीजिए। अब अपन पिंडलियों के बारे में सोचेंगे। पिंडलियों में अक्सर दर्द रहता है लोगों के, तो देखिए आप ऑक्सीजन वहां तक पहुंचाइए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कर दीजिए। फिर ब्रीथ इन कीजिए और नी के बारे में सोचिए कि नीज तक मेरी सांस जा रही है। अगर आपको किसी एक पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में ज्यादा दर्द होता है तो आप उस पार्ट में 2-3 बार भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नीज के बारे में सोचिए, नीज में अपनी ऑक्सीजन को पहुंचाइए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप पूरा ऊपर तक लेवल तक ऑक्सीजन को अपने पहुंचाइए और फुल बॉडी इंटरनल पार्ट्स को भी स्ट्रांग रखिए, सब में ऑक्सीजन लेवल बराबर से जाए और सारे पार्ट्स आपके अच्छे रहें, यही दुआ है। इसी के साथ ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।